एक समय का प्रसंग मुझे याद आता है, जब दिल्ली के सिंहासन पर सिकंदर लोधी थे, जो बलहा लोधी जिनके पिताजी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, तो उसमें हिंदुस्तान के राजा थे और सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज काशी में प्रगट थे। तो ये थोड़े से मुसलमान थे तो अत्याचार भी कर देते थे, गाय का मीट मांस खाते। इनको एक व्याधि रोग हो गया, शरीर में भयंकर जलन, और फिर मन भी परेशान बेचैन, दिन रात नींद नहीं आती थी, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। वैद्य हकीमों से अनेक इलाज करवाए लेकिन ठीक नहीं हुए। तो किसी से सुना कि सतगुरु कबीर साहब हैं काशी में, वो आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हाथी पर बैठकर अपने लाल लश्कर लेकर और काशी की तरफ प्रस्थान किया। उसमें वीर सिंह बघेला वहां के राजा थे, यानी जो एक हिंदुस्तान का बड़ा राजा होता था उसके नीचे नवाब और छोटे राजा होते थे। उन्होंने पता चला कि दिल्ली के बादशाह आ रहे हैं तो बड़ा उनका स्वागत की तैयारी की। वीर सिंह बघेला के पास सिकंदर लोधी गए, मेज पर इतने ड्राई फ्रूट फल वगैरह रख दिए। उन्होंने कहा, वीर सिंह बघेला मैं ये खा नहीं सकता क्योंकि मुझे वैद्यों ने मना किया, मेरे शरीर में भयंकर जलन होती है और अनेक इलाज कराने पर दूर नहीं होती। पता चला कि कबीर बहुत बड़े संत हैं, फकीर हैं, वो ठीक कर सकते हैं, उनसे मिलवाओ। वीर सिंह बघेला उस समय सतगुरु के शिष्य बन चुके थे। उन्होंने सोचा संध्या आरती का समय है, जरूर गुरुदेव स्वामी रामदेव रामानंद जी महाराज की कुटिया में होंगे। सब शिष्य 1484 उनके शिष्य थे, सामने सत्संग सुनते आरती करते। जो वहां गए तो सेवादार खड़े थे और कबीर साहब ने सारी अंतर्यामी थे समझ गए, उस समय तक आए नहीं थे कुटिया में। स्वामी रामानंद से जाकर सेवकों ने कहा, महाराज दिल्ली के बादशाह आए हैं वीर सिंह बघेला के साथ, आपके दर्शन करना चाहते हैं। रामानंद जी बहुत ही संयमी थे, नियमों के उन्होंने कहा भी ये मीट मांस खाते हैं ना गायों का, तो हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे। अब सिकंदर लोधी को तो गुस्सा आया, तलवार निकाल ली और अंदर जाकर रामानंद जी का सिर काट दिया। इतने में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब पीछे से आए। वीर सिंह बघेला ने सोचा, आए थे लोग कटवाने, इसने तो और बुरा हाल कर दिया, अब संतों का श्राप लगेगा, परमात्मा बख्शेंगे, ये तो बहुत राजा राजन आपने गलत काम कर दिया। कभी मेरे तो सो हो गया ये अत्याचार। कबीर साहब कहेंगे, राजन किस लिए आए? कहेंगे, जी मेरे भयंकर जलन होती है। और जैसे ही वीर सिंह बघेला ने सतगुरु को दंडवत करी तो सिकंदर का भी सिर झुक गया मुकुट से, और कबीर साहब जैसे आशीर्वाद देते ना संत, तो जैसे ही स्पर्श किया दोनों के सिर पे तो खड़े हुए, तो सिकंदर बादशाह के शरीर की जलन दूर होगी स्पर्श करते ही, क्योंकि संत अपने स्पर्श से, दृष्टि से और शब्द से कृपा करते हैं। इसलिए कहते जाकर दर्शन करो और श्रवण करो, और संतों की दृष्टि आप पर पड़े तो उसे निहाल करते हैं। वो तो हैरान हो गए, स्पर्श मात्र से रोग दूर हो गया। तो कहने लगे, भी आप कृपा करो, आपके जो गुरुदेव थे मेरे से तो हत्या होगी नहीं, परम हत्या का पाप लगेगा, आप क्या करो, बड़ा पछतावा हुआ। अंदर गए और फिर रामानंद जी के पास देखा, सिर कटा हुआ और धड़ अलग पड़ा है। तो कबीर साहब कहने लगे, गुरुदेव आरती का समय हो गया है, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, मंदिर छोड़ कृपया करो, अपनी अमृत वाणी श्रवण कराओ। ऐसी कर सतगुरु कबीर साहब पास गए, अपने गुरु के चरणों में जो धड़ अलग पड़ा था जैसे ही प्रणाम किया, धड़ उठा और सिर उठ के और अपने आप जुड़ के सतगुरु बैठे हो गए। बोलो सतगुरु मंदिर छोड़ कबीर साहब महाराज। और दिल्ली के पास संजय अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा, हैरान हो गए, ये तो कोई अल्लाह खुदा का अवतार लगता है। कबीर साहब से पूछते हैं, साख सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है, दासगिरी गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन है। वैसे तो बहुत परिचय दिखाए सिकंदर लोधी को और वार्तालाप भी हुआ। फिर सतगुरु कहने लगे, हम ही अलख अल्लाह है अकुत गोस और पीर है, गरीब दास खालक देनी हमारा नाम कबीर है। पता क्या, हम ही अल्लाह है, हम ही खुदा है, हम ही ईश्वर है, यानी परमात्मा बोल रहे सामने। फिर चरणों में झुक गया, क्षमा मांगी और फिर सिकंदर लोधी वापिस चला गया। तो इसलिए संतों के दर्शन मात्र से भी हमारे इतने आदि व्याधि उपाधि रोग दूर हो जाते हैं। तो सतगुरु बंदी छोड़ जी फरमाते हैं, कभी गरीब धन संत संतो तो संत का
और तेरे कहा मैं अक्षर तीर्थ जय किए नाही संत समान। अक्षर तीर्थ बताओ कौन कौन से नाम है, कहाँ कहाँ जाओगे, सारा जीवन नहीं कर सकते ना, लेकिन दो चरणों में जाकर और भाव से सत्संग सुन लो, प्रणाम कर लो, सारे अक्षर तीर्थ हो जाएंगे। इसलिए संत के बराबर कोई धन नहीं है, क्योंकि संत हमारे जीवन को पलट देते हैं। कैसे, इन्हें पारस में और संत में बड़ो अंतर जाने, वे लोहा पर कंचन करें गुरु कर ले आप समान। पारस कंचन बनाता है लोहे को, लेकिन गुरु अपने जैसा बना लेता है। जैसे एक विद्यार्थी स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ता है तो पहले तो उसको विद्यार्थी होना पड़ता है, लेकिन जब वो नौकरी पर लगेगा तो टीचर ही तो बनता है। ऐसे ही गरीब पारस तुम्हारा नाम है लोहा हमारी जात, कहते हैं सदगुरु पारस रूप है और हम लोहे जैसी जाति है, आपकी संगत में आकर सदगुरु हमारा स्वरूप स्वरूप की मत सब पलट जाता है। कैसे पलटता है, मुझे प्रसंग याद आया, जब 18वीं शताब्दी में भारत के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज सुरु धर्म सम्मेलन में शिकागो भाषण के लिए जाना था, तो 24 वर्ष की आयु स्वामी जी की, तो जयपुर के खेतरी के महाराज ने एक सम्मान समारोह रखा जिसमें देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया, पूरी राजधानी को सजाया गया और स्वामी जी को बुलाया कि मैं यहाँ से गाड़ी और फिर समुद्री जहाज के द्वारा शिकागो के लिए स्वामी जी को बड़े आदर के साथ विदाई करूंगा। जब एक 24 वर्ष के युवा सन्यासी हमारे देश के और इतना बड़ा सम्मान पाने जा रहे हैं दूसरे देश में, तो हम भी सम्मान करें। पूरी खेतरी को सजाया गया, स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ वापस आ रहे, लेकिन राजा लोग तो राजा अपने इतना सोचते हैं, उनके सम्मान में एक नृत्यांगना वेश्या को बुलाया नाचने के लिए, जो कि बड़ी उस समय की जानी मानी सुंदरी थी। स्वामी जी जिस कक्ष में रुके थे तो किसी ने आकर बताया, महाराज आपके सम्मान में कोई नृत्यांगना बुलाई है। स्वामी जी ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि भारत का सन्यासी उसके कुछ नियम है, मर्यादाएं हैं, और आज का समय होता तो लोग तुरंत फोटो उतार के वीडियो बना के फेसबुक पर डाल देते, देखो भारत के सन्यासी को नाच देख रहे हैं। स्वामी जी ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। दीप प्रज्वलित का समय हो गया, सारे महाराजा राजा सब इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टेज पर पधारे स्वामी जी, नृत्यांगना भी तैयार है, लेकिन महाराज जी ने कहलवा दिया स्वामी जी ने, हम नहीं आएंगे, प्रोग्राम शुरू कर दो। लेकिन धर्म संकट में थे, नहीं जाते हैं तो कितना खर्चा किया राजा ने, अगर जाते हैं तो सन्यासी को कुछ मर्यादाएं हैं। जब मना कर दिया, निर्णय कर लिया नहीं जाऊंगा, तो नृत्यांगना ने पता चला था कि भारत के युवा सन्यासी विवेकानंद जी आए हैं और विदेश में जाएंगे। उस समय उठ पटांग गीत नहीं, एक सूरदास जी का सुंदर पद याद करके आई थी कि आज मैं ये गाऊंगी, सन्यासी इतना तो मैं भी जानती हूँ कि क्या गाना है। उसको पता चला स्वामी जी नहीं आएंगे, वो निराश हो गई। स्वामी जी जिस पक्ष में ठहरे थे उधर मस्तक रख के प्रणाम किया। देखिए, आप अपने घर में मंदिर में अपने सदगुरु के सामने बैठकर प्रणाम करना, जहाँ सदगुरु बैठे हैं वहीं पहुंच जाएगा। जय गुरु बसे बनारसी शीर्ष समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जय गुण रहे शरीर। प्रणाम किया स्वामी जी के पास, ये हृदय में भाव पहुंचे, उसने गाना शुरू कर दिया, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, समुद्र सी है नाम तिहारो, अपने पने ही करो, एक लोहा पूजा में राखते एक घर बदिक धरो, ये दुविधा पारस नहीं राखते है जानत कंचन करत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना करो, भले ही मैं पाप आत्मा हूँ, बुराई करती हूँ और आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन संत तो समदर्शी होते हैं। जैसे पारस है, वो कैसा भी लोहा हो, चाहे कसाई के घर तलवार रखी हो, चाहे मंदिर में कोई पूजा का लोहे का सामान रखा हो, पारस भेद नहीं करता, दोनों को छुएगा तो कंचन बना देता है। एक
एक नदिया एक नार कहानत में लो नीर भरो हो जब मिल के दो एक वर्ण में सुर से नाम धरो एक जीव एक ब्रह्म कहानत सूर श्याम झगड़ो हो अब की बेर मोल पार उतारो नहीं बन जात करो प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। जब ये पानी सुनी कि मेले नाल होते हैं पानी के अगर गंगा में मिल जाए तो गंगा रूप हो जाते हैं, इसी प्रकार एक जीव है एक ब्रह्म है, जीव कर्मों से मैला हो गया, परमात्मा जो है वो पवित्र है तो जीव वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, जीव स्वभाव से तो शुद्ध ही है कर्म के कारण अशुद्ध हो गया तो दोनों के बीच में क्या आ गया कर्म का पर्दा, इसलिए हम परमात्मा से मिल नहीं पा रहे हैं। सदगुरु जी फरमाते हैं ना गरीब आत्म और परमात्मा एक रूप न हो जो हो रे बिस्कर जाई कर्म की कासे कहिए दूर कि आत्मा सो परमात्मा एक ही है लेकिन दूर क्यों है कर्म की जाई जैसे सूरज के आगे बादल आ जाए तो दिखाई नहीं देता, ऐसा तो नहीं भी सूरज का अस्तित्व नहीं है, सूरज तो है बादल हटे और सूरज का प्रकाश दिखाई देता है, ऐसे हम जीवों के भीतर भी वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है लेकिन बुरे कर्मों के बादल आ गए दूर कैसे होंगे। ये कुंडलनी में कुलप है जावा मन का वास है, जैसे हमारी पूजा गुरुदेव जी ने पीछे सत्संग में कुंडलनी के बारे में बहुत विस्तार से बताया जो प्राण शक्ति है तीन कुंडल मारे हमारी नाभि में सोए हुए और शरद की चोट से उस कुंडलनी शक्ति को जगाया जाता है जो कि ऊपर ब्रह्मांड में जाती है, हमारा दसवां द्वार खुल जाता है और नाद प्रकट हो जाते हैं उसके भीतर, वो व्यक्ति अंतर्यामी हो जाता है परमात्मा जीव पीव से मिल जाता है। तो सदगुरु जी कहते हैं इन्हीं कुंडली के पास जो हमारा मन है वो अपनी वासना को लेकर बैठा है, कौन सी वासना गरीब जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी आने निर्मल कैसे होएगा सदगुरु लगे नकाने। हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं और कौन कौन से जन्म किस किस योनि में आए और इतनी प्रकार की कामनाएं वासनाएं आकांक्षाएं जीव में उभरती रहती हैं उन सबको बीज रूप में लिए मन यहाँ बैठा है तो निर्मल कैसे होगा, जब लग सतगुरु की वाणी नहीं सुनोगे मन पवित्र होने वाला नहीं है। जन्म जन्म के दाग है मन के मैल मशन कहते हैं बहुत दाग है भीतर में जो वो रोने लगे और भीतर में ये भी गलानी आई देख मैं कितनी बुरी हूँ बेशा हूँ इसलिए नहीं आए लेकिन भाव भी पैदा हुआ आज संत आए हैं तो आंसू आए पहली बार हृदय धुआ उसका बेशा का अर्जित फिर कहा ना अब की बार मोई पार उतारो नहीं पन अपनो डरो। जब ये कहा स्वामी जी उठे पग से और स्टेज पर आ गए और उसको प्रणाम किया माँ आपको प्रणाम है आपने तो मेरे को चेता दिया मैं संत तो मेरी संतुष्टि होनी चाहिए। उस दिन से उस वेश्या ने बुरे कर्म छोड़ दिए और रामकृष्ण मिशन की अनुयायी बन गई, उसने अपना बिल्कुल आदतें स्वभाव कर्म सारे के सारे बदल दिए, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा का आना जरूरी है क्योंकि जीवात्मा को निर्मल महात्मा कर सकते हैं वही फिर परमात्मा बन सकते हैं। तो इसलिए सतगुरु की भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो आप परमात्मा के भक्त बनते हैं और यहाँ बैठना सीख गए ना भक्ति बंदगी क्योंकि बंदगी से ही बंदा बनता है, बंदगी करे सोई बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आखो जाम है कहते हैं बंदा वही है जो बंदगी करे और इस बंदगी का परिणाम क्या होता है सतगुरु जी फरमाते हैं गरीब भक्ति गरीबी बंदेगी संतों से ती हेत जिनके निश्चल वास है आसन दीजे श्वेत दीन गरीबी भक्ति बंदगी जिसके अंदर आ गई आसन दीजे श्वेत श्वेत कौन सा श्वेत लोग सतलोग वहाँ आसन हो जाएगा संतों की महफिल में जाकर बैठोगे अगर ऐसा निश्चय आपके अंदर आ गया तो। तो ऐसी निष्ठा आ गई भक्ति की और भक्ति भी कैसी भावना से निष्ठा से मुझे निश्चय के अंदर सतगुरु गरीब दास जी महाराज ने एक सुंदर वाणी फरमाई है गरीब सहना के घर सतगुरु आए करे हजामत सेवा संतों की तो सरदार राखी पार मरम निज देवा। सहना नाई सतगुरु रामानंद जी के शिष्य थे उसमें पीपा धन्ना
कबीर साहब, रैदास जी, पूरी संतों की मंडली थी। ऐसा धरती पर लगता था भक्ति युग आया हुआ है, घर घर में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सतगुरु जी गांव गांव घूमते हैं अपना एक कार्यकर्ता लेकर, संत मंडली को लेकर, कि ताकि ये जीव जो परमात्मा से बिछड़े हैं वापिस मिल जाए। क्योंकि बंदी सोर जी फरमाते हैं, मेरी परमानंद से बिछड़िया यो मैं हंसा का आगे, मुक्ति नहीं सदगुरु बिना काचा पे ले दाग। परमात्मा से बिछड़ा हुआ ये जीव और बिना सदगुरु के नहीं मिल सकता है। और इसलिए संतों की संगत ही संसार में सार है। और सदगुरु तो यहाँ तक कहते हैं, संतों की संगत के अलावा जो भी संगत करे उसको कुसंगत कहा है। सतगुरु संगत सार है, सकल कुटुंब कुसुम सब जीव है, पानी से निक से नहीं अनेक जतन करेगी वह। देखो यहाँ खरा खरा बोल दिया सतगुरु ने कि सतगुरु की संगत ही सार है, बाकी सब असार है, कुसंग है। पानी को रही डाल के मतते रहो, बिलते रहो, क्या मक्खन निकलेगा? नहीं ना। चाहे युग बीत जाए मक्खन नहीं निकलने वाला। संसारियों की संगत में कभी सार हाथ नहीं लगेगा, जब भी लगेगा माखन हाथ है तो संतों की संगत में ही लगेगा। सेना नाई संतों की संगत करते थे, लेकिन बांधवगढ़ के राजा भीर सिंह बघेला की हजामत बनाने और तेल मर्दन करने, स्नान करने, नाखून काटते, बाण सवारते, चरण दबाते, स्नान करवाते, उनकी पूरी सेवा करते थे। एक दिन जब अपना उस तरह का वो सारा थैला अटैची उठाकर चले ना, रास्ते में संतों की मंडली आ रही थी कीर्तन करते करते। क्या? हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। मंडली कीर्तन करते आ रहे नामदेव जी के घर की तरफ। अरे रामा, तू कितने सेना नायक के घर तू कहाँ जा रहा है? हम तो तेरे घर आ रहे थे। बता तो संत भगवान आपको प्रणाम की। अब वो अटैची तो रख दिए दामद वाले एक तरफ, संतों की सेवा में लगे, भागे गए, राशन लाए, दुकान से भोजन बनाया पति पत्नी ने, और पंगत में बैठ गए, भोजन करवा के फिर कहने लगे जी आराम भी करो, संतों के चरण दबाने लगे। कई घंटे बीत गए और उधर राजा की सेवा में लेट हो गए। और इतनी तन्मयता से सेवा कर रहे हैं, उन्होंने परमात्मा ने सोचा मेरे स्वरूप संतों की सेवा कर राजा रूठ ना जाए, सेना नाई का रूप बनाया और वही उस तरह अटैची उठा के और वो बांध के सिर पे पगड़ी और राजा भीर सिंह बघेला के महल में पधारे। और जाकर रहे भीर सिंह बघेला की सेवा करने लगे, तेल मर्दन किया, जो तेल लगा रहे ना करोल में ऐसे कुंगल जैसे फूल छू रहे हैं। वाह वाह, अरे सेना और तू बड़ा आनंद आ रहा है, तेरे हाथों में क्या है? फिर इत्र लगाया, ऐसी सुगंध, अरे सेना ऐसी इत्र तू कभी नहीं लिया था, कौन सी फूलों का निकाल कर ले आया? भगवान तो अपने लोग से जो कराए थे अपने फूलों का, जो सुगंध सृष्टि में नहीं है वो आज अलग सुगंध आ रही है। वाह वाह, लेके में है, बड़ा आनंद आ रहा, कोमल स्पर्श है। फिर नाखून संवारे, बाल संवारे, छोटी पकड़ के हजामत बनाई और फिर स्नान कराया और फिर लेट गए राजा उनके चरण दबाए। इतना आनंद आ रहा बस आज तोरे सेना, ऐसी सेवा तो तूने कभी नहीं की थी, अपने गले से मोतियों का कीमती हार उतार के और भगवान के गले में डाल दिया कि ये सेना है, सेना नारी है। उधर जैसे ही संत वापिस आराम करके जाने लगे, उनको दान दक्षिणा दी, याद आया सेना को, अरे ये तो शाम होने को है, मैंने तो राजा की सेवा कर दी थी, आज तो दंड मिलेगा। भाग्या उठाया अपने थैला और फिर जल्दी जल्दी से राजघराने की तरफ। अभी महाराज भाई बाप मुझे माफ करो, लेट हो गया और गलती क्षमा करो। कह लगे सेना क्या हो गया? रोने लग गया। कह लगे जी आज मैं लेट हो गया, नहीं पाया आपकी सेवा। अरे सेना आज तक तो तूने इतनी सेवा नहीं की, जो बड़ा आनंद आया, अब तो मैं इतना खुश हूँ तेरे से, तूने इतनी सुंदर सेवा की है, ये बता कोई इत्र कहाँ से ले आया था? और वो जो फूल फूलों से स्नान कराया वो कहाँ के थे? आज तो इतना मीठा स्पर्श था, और देख मैंने खुश हो गए, तेरे गले में मोतियों का हार भी तो डाला था। और जैसे सेना ने देखा तो वो हार जो परमात्मा के गले में डाला था, सेना को पता तक नहीं चला, परमात्मा सेना के गले में डालकर चले गए। समझते देर नहीं लगी सेना को, ये परमात्मा है मालिक, मेरे लिए आप
शहनाई नायक ऐसा रूप लेकर आए तो बंदी छोड़ दी। दूसरी बाणी फरमाते हैं, गरीब कोड़ी का जीव था सेना जात गुलाम, भक्ति भेद कर आईया धरा स्वरूप हजाम। ए मालिक में तो दो कोड़ी का जीव था और सेना नाई जिसको गांव के बाहर हमारी झोपड़ियां बनी हुई थी, लेकिन किस लिए आए? भक्ति हेत कर आईया धरा स्वरूप हजाम। भक्ति के कारण परमात्मा बिक गए, क्योंकि अहम भक्त पराधीन है। अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान? मैं तो भक्तों के पराधीन होता हूँ, भगवान किसी के वश में नहीं है, केवल भक्त के वश में है। और गीता में भगवान फरमाते हैं, अन्य चिंतियंतो माम ये जना प्रिय उपासते ते साम नित्य अव्युक्ता नाम योग अक्षेम वहाम है। जो अनन्य अन्य भाव ना हो, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता भक्ति करता है, हे अर्जुन, उसका योग अक्षेम मैं स्वयं, यानी मैं तो उसका साकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। और क्योंकि उद्धवो है संत बहुत ही प्यारे, उद्धव को भी कहते हैं भगवान, ताकि मुझे कुछ नहीं, मुझे संत बहुत प्यारे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी आप और ये परिवार कितना बड़भागी है जो संतों की सेवा मिली है, इनका सत्संग सुनने श्रवण करने को मिलता है, इनकी शरण मिली है, इससे बड़भागी और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा संतों की संगत करो, क्योंकि संतों की संगत करे बड़भागी बड़ देव, और आप तो संशय नहीं और उतारे खेल। तो बड़भागी आत्मा होती है जो संतों की संगत करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, संतों के द्वारा गुरु के द्वारा बताए हुए नाम सुमरण तो करो, यही नाम चाबी है, और एक दिन दसवें द्वार को खोल सकते हैं और जहाँ से हम पिछड़े थे वहीं हमें मिला सकते हैं। तो मैं परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आदरणीय भाई डॉक्टर योगेश कुमार को और श्रीमती अंजू देवी को, जिन्होंने अपने नवनिर्मित मेरा प्रवेश के उपलक्ष्य में ऐसा भव्य आयोजन करवाया। सत्संग चलता रहा, सतगुरु की वाणी का पाठ चलता रहा, इसलिए ऐसे जगह पर घरों में कोई भी वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ग्रह और उपग्रह से ऊपर गुरुओं का अनुग्रह होता है। क्योंकि संत नाम जपते हैं, और जब नाम जपते हैं लोग नमन करे निर्वाणा अवगत नाम निरालम जाना, यानी जो निरालम परमात्मा का नाम जपते हैं नौग्रह तो नमन करते हैं। आप कहोगे रावण भी नमन करता था, नौग्रह उन्होंने बांध रखे थे शनि को खाट के पाए से, और पूरी वास्तु के हिसाब से लंका बनाई थी, उसकी क्यों उजड़ गई? क्योंकि उस पर गुरु की परमात्मा की कृपा नहीं थी, उनका अनुग्रह नहीं था। तो भले ही शनि बांध रखा था पर सारी लंका उजड़ गई, एक लग पुत्र सवा लग नाती जा रावण दिया ना बाती। तो इसलिए जिस पर गुरुओं की संतों की परमात्मा की कृपा होती है, रोजाना अपने घर में उत्सव मनाओ, मंदिर जैसा बनाओ, ज्योत लगा के सतगुरु के स्वरूप रखे रोजाना, सुबह का नित्य नियम, दिन का नियम और शाम का नियम, त्रिकाल संध्या जहाँ होती है नाम की कमाई होती है और संतों की वाणी का पाठ होता है, वहाँ परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से होती है, 100% होती है। आज हमारे सतगुरु आते हैं।